तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो अभी जो इसका ऑन रोड प्राइसिंग है डिस्क ब्रेक वाले मॉडल का, वो जा रहा है लगभग 111,700 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, जो कि हमारे एरिया का यहाँ पे प्राइस है फ्रेंड्स गिरिडीह झारखंड का। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं सीएल टीवीएस के गोडाउन पे, तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप फ्रेंड्स शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी क्या क्या चेंजेस आया है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप बाइक का फ्रंट लुक देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको रेडर की बैजिंग जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको DRLs मिल रहा है LED में, और फ्रंट का जो फेंडर है वो बॉडी कलर में ही कंपनी प्रोवाइड करती है। और फ्रंट की अगर हम टायर की बात करते हैं तो आपको TVS टायर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 80/100 का 17 इंच का है। और अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे सिंपल से डिजाइन में मिल जाते हैं। यहाँ पे इंजन काउल आपको रेड कलर में मिल रहा है, और साइड से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका बॉडी, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो कुछ डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे ऐसा मिलता है, हॉर्स का लोगो 3D में मिलेगा। नीचे में फ्रेंड्स ग्रे जो है वो एक्सेंट्स का यूज किया गया, ETFI की आपको बैजिंग मिलेगी। और 5-speed gearbox सेटअप के साथ ये बाइक आ जाती है फ्रेंड्स। ओपन चेन सिस्टम आपको मिलेगा, रेडर का लोगो मिल रहा है, और साइड से फ्रेंड्स टैंक जो है वो काफी मस्कुलर लगता है। कहीं भी 125 की आपको बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी, जो कि एक काफी प्लस पॉइंट लगता है मुझे इस बाइक का। मतलब काफी लोग जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, इसे 150cc सेगमेंट की बाइक समझ लेते हैं, तो वो जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी मतलब बैजिंग नहीं प्रोवाइड कर रही है आपको। तो वो एक तरह से यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि बाइक का लुक्स यहाँ पे काफी यहाँ पे आपको मस्कुलर मिलता है। किसी भी एंगल से 125 का ये फील नहीं प्रोवाइड करेगी। अब जो है वो आपको चार्जिंग यहाँ पे लगा के मिल रहा है, तो आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है। और अगर इस साइड से हम बात करते हैं तो अभी पूरा हम इसे रिमूव ही कर देते हैं, तो साइड लुक फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे ऐसा आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पे साड़ी गार्ड जो है वो लगा हुआ है। ओपन चेन सिस्टम के साथ आपको बाइक मिल रही है, और स्प्लिट में आपको सीट मिल जाता है, जो कि काफी यहाँ पे कुशनिंग आपको अच्छी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप फैमिली पर्पज से भी बाइक लेने का सोच रहे थे तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि कुशनिंग काफी अच्छा है। मैं खुद भी फ्रेंड्स राइडर जो है वो परचेस किया हूँ, और अभी फ्रेंड्स काफी टाइम हो चुका है, हमें भी 1 साल हो चुका है बाइक परचेस किए हुए। काफी अच्छी बाइक है, अच्छा रिस्पॉन्स है। येलो कलर में मैंने परचेस किया था, तो येलो कलर अभी नहीं आ रहा है। पता नहीं कंपनी जो है वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है। अभी रेड आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ब्लू आ रहा है, बट येलो नहीं आ रहा है। इस साइड से आप लुक्स देख सकते हैं, यहाँ पे रेडर का लोगो मिलेगा। इंजन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाता है 125cc का, जो कि यहाँ पे एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है इस बजट में, जो कि फ्रेंड्स एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। बाकी साइड लुक आपको यहाँ काफी अच्छा डिजाइन में मिल रहा है बाइक का, तो आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको बाइक का जो डिजाइन है वो कैसा लगता है, और रेडर आपको पसंद है या नहीं। बाकी टेल लाइट्स का डिजाइन आप देख लीजिए, LED में मिलता है। इंडिकेटर्स यहाँ पे अपाची वाला ही कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।